This is an ABP Life podcast. प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे ऑफिशियली 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटने के तौर पर मनाया जाता है। आज तारीख है 9 जनवरी और बात करेंगे आज के समय में प्रवासी भारतीयों की जिन्हें NRI कहते हैं। सरकार ने 2022 के अंत में लोकसभा को बताया कि पिछले 3 वर्ष में 3,92,643 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। साल 2022 में सबसे ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों भारतीय अपना देश छोड़, अपनी सिटीजनशिप को छोड़ विदेश जा रहे हैं? क्या ये अच्छा है या बुरा? कैसे भारतीयों को ऐसा करने से रोका जा सकता है? जानेंगे आज सब कुछ FYI में सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार त्रिपाठी है और मैं एक रिटायर्ड एम्बेसडर हूँ। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस से हूँ। मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस 1981 में ज्वाइन किया था और उसके बाद करीब 35 साल की सर्विस के बाद 2014 में मैं रिटायर हुआ। ABP लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू। साल 2015 की बात करूं तो करीब 1,31,489 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा। साल 2016 में ये बढ़कर 1,41,603 हुआ। साल 2017 में 1,33,049, 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में कुल 85,256 लोग, 2021 में कुल 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ा। सर, इसके कारण क्या है? देखिए, इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि स्टूडेंट्स बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ अभी भी एजुकेशन की क्वालिटी बेटर है। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये करीब स्टूडेंट्स करीब 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा होंगे, यानी 10 लाख से थोड़े ज्यादा होंगे पूरे विश्व में। और इनमें से ज्यादातर लोग जाते हैं वो जाते हैं कनाडा, बाद USA, UK, उसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया जी, चाइना एंड न्यूजीलैंड जी, इन जगहों में ज्यादातर स्टूडेंट जाते हैं। तो वो संख्या लेकिन बहुत कम है जी। कई लोग ऐसे जाते हैं जो वहाँ सर्विस के या बेटर प्रोस्पेक्ट के उसमें जाते हैं, उनमें से ज्यादातर ये हैं जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जी। वहाँ जाते हैं इसलिए कि वहाँ पर उनको अच्छे ऑफर मिलते हैं, ज्यादा सैलरी मिलती है। ऑब्वियसली अब US में या UK में बहुत ज्यादा सैलरी होती है इंडिया के हिसाब से, तो हाई सैलरी मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग कंडीशन ज्यादा अच्छी है अभी भी, वो बिल्कुल ये जाते हैं। और काफी लोगों का ये, उनमें से काफी लोग सिटीजनशिप वहाँ ले लेते हैं, 10-15-20 साल रहते हैं उसके बाद सिटीजनशिप वहाँ ले लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि उन्होंने सिटीजनशिप लेने के बाद भी भारत से अपना नाता तोड़ा नहीं है जी। और उनमें से कई OCI या PIO हो गए हैं। और ये एक चीज आप देखिए कि ये चीज को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लेबर फोर्स है जो गल्फ कंट्रीज में ज्यादा जाती है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में भी हमारे काफी लोग हैं, 30 लाख से ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, उनमें से ज्यादा लेबर हैं जो कि छोटे कामों के लिए जाते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स नहीं। लेकिन वो उन लोगों ने अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, इसलिए मैं उनको नहीं गिन रहा हूँ। सिटीजनशिप छोड़ने वाले जो हैं वो ऐसे वहाँ ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट्स की तुलना में वहाँ पर वो सिटीजनशिप ले लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो भारत से अपना संबंध बनाए रखते हैं और OCI या PIO के स्टेटस के तहत वो यहाँ आते हैं, यहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं और यहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये बहुत ही खराब है, क्योंकि भारतीय जो हैं जो यहाँ पे बसे हैं और रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, मैं आपको बता दूं कुछ आंकड़े जो आपको शायद रुचि के लिए होंगे। बिल्कुल। ऐसा है कि 1991 में जब भारत की इकोनॉमी का उदारीकरण हुआ था,
वक्त बाहर से आने वाले रिमिटेंसेस $5 बिलियन के हुआ करते थे, यानी $5 अरब हुआ करते थे जी 1991 जी। तब भारत की जनसंख्या सिर्फ 90 करोड़ थी, 90 करोड़ 89 करोड़ से थोड़ी कम थी, ओके 88.89 थी जी। लेकिन अब देखिए, अब वो जनसंख्या जोड़ी भी नहीं हुई है पिछले 30 साल में। 88 से हम 1 अरब 40 करोड़ पे पहुंचे हैं और रिमिटेंसेस जो है 90 बिलियन या 90 अरब डॉलर हो गए हैं, मतलब रिमिटेंसेस 18 गुना बढ़े हैं भारतीयों के। तो एक ये बहुत बड़ा हिस्सा हमारी इकोनॉमी में भारतीयों से द्वारा से भेजे जाने वाले रेमिटेंसेस, और जो कि ये तो नंबर एक चैनल से आते हैं, मतलब लीगल चैनल से आते हैं, कुछ इलीगल से भी आते होंगे, लेकिन इसी के चलते भारत दुनिया में पहला देश है जहां सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं बाहर से। तो ये एक पॉजिटिव चीज है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन को ही आप देखिए, अगर चीन के काफी लोग बाहर बसे हुए हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि भारत के बाद चीन का तीसरा नंबर है, लेकिन चीन में आने वाले रेमिटेंसेस ज्यादा नहीं है। ओके, ये चीज एक तरह से भारत के पक्ष में जाती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस बात को सोच के खुश हो जाएं कि सिर्फ पैसे आ रहे हैं और हम अपनी सामाजिक दशा, आर्थिक या शैक्षणिक दशा यहाँ न सुधारे। जरूरत है, लेकिन अभी हमारे पास जितने जॉब्स हैं, जितने क्वालिफाइड लोग हैं, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो उसको हमें क्रिएट करना होगा और उसके बिना काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर साल 2022 की मैं बात करूं, जो आपने बहुत सारे कारण बताए हैं बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन अगर साल 2022 की बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा अब तक के हाईएस्ट इन अ ईयर कि 1 लाख लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी इंडियन, तो ऐसा साल 2022 में क्या हुआ सर? देखिए, ये आप सिटीजनशिप छोड़ने का देखें तो फिर ये लगातार जारी है, ये संख्या बढ़ रही है, आंकड़ा बढ़ रहा है, और कोई शक नहीं कि अगले 4-5 साल में भी और लोग सिटीजनशिप छोड़ेंगे, इससे ज्यादा आंकड़े आएंगे। लेकिन उसके बाद जब संसार की लीडिंग कंपनी जहां आने लगेंगी, अब आना शुरू हो गई है, जैसे आपने देखा कि एप्पल के पहले पुराने मॉडल्स के मोबाइल फोन बनते थे, अब एप्पल 14 बनने का यहां पर वो किया जा रहा है। जब ये कंपनियां आने लगेंगी, किया आ गई, सैमसंग आ गई, एलजी आ गई, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां जब आने लगेंगी, तो भारत में एम्प्लॉयमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स और बढ़ जाएंगे, और तब ये जो ब्रेन ड्रेन है या माइग्रेशन है भारतीयों का, वो कम हो जाएगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन इसमें भी 4-5 साल कम से कम लगेंगे। बिल्कुल सर। सर, आपने एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये तो आपने एक चीज बताई जो इंडिया को करनी है। इसके अलावा अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी ये भारतीय जा रहे हैं, ऐसा क्या है जो और भारत में नहीं है और भारत को डेवलप करने की जरूरत है? देखिए मानसी, एक सबसे बड़ी चीज इस सबके अलावा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तब क्रिएट होंगी जब ज्यादा फैक्ट्रीज खुलेंगी या ज्यादा बिजनेस हाउसेज यहाँ पर अपना प्रोडक्शन या अपना काम शुरू कर देंगे। और उसके लिए जरूरी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही होना। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 4 साल में हमारा 4 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ध्यान दिया। उसके पहले तो आपने देखा होगा कि हमारे पास हाईवेज कम थे, हमारे पास चौड़ी सड़कें नहीं थी, हमारे पास सड़कों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो ये चीजें जो है, ये चीजें, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। रिहायशी व्यवस्था, सोशल सिक्योरिटी, अस्पतालों की व्यवस्था, तो ये सब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत समय लगेगा। और एक चीज और मैं बताऊं कि देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, खासतौर से रोड डेवलपमेंट की, उसमें एक चीज आप को ध्यान देनी चाहिए कि हमारे यहाँ की सड़कें जो हैं, उन पे पर स्क्वायर किलोमीटर या पर किलोमीटर जो पब्लिक का बोझ जो है वो ज्यादा है, फुटफॉल ज्यादा है, ज्यादा गाड़ियां हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा व्हीकल्स हैं, इसलिए रोड पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है। इसलिए रोड को जहाँ जितनी रोड्स
दूसरे जगहों में डेवलप कंट्रीज में जिस क्वालिटी की बनी है उस क्वालिटी की नहीं बस बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बनाने की जरूरत है ताकि वो ये प्रेशर पॉपुलेशन का डेवलप वो सह सके। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बिजली की बात, जैसे अब हम बिजली के क्षेत्र में सोलर एनर्जी में और दूसरे क्षेत्रों में हम हाइड्रोजन से भी एनर्जी पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सब के प्रयास के जरिए उस सब के बाद मुझे उम्मीद है कि 3-4 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में इतना अच्छा हो जाएगा कि हमें फिर बहुत ज्यादा इसके ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हो सकता है। वाओ, यानी कि एक अच्छी खबर होगी कि माइग्रेशन कम होना शुरू होगा, आप ऐसा कहते हैं कि ये पॉजिटिव होप है। जी बिल्कुल। आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगी, आज जो हमने टॉपिक लिया है इससे जुड़ी कोई और जानकारी जो आप देना चाहें जो हमने आज के टॉपिक में कवर नहीं की? देखिए, इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं, मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ देशों में अभी भी लोगों को कुछ देश हमारे पड़ोसी देश भी अभी भी अपने लोगों के लिए इतना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जितना हमने शुरू किया है। हमने काफी टाइम तक नहीं रखा। आप ये खुद देखिए कि 1991 से क्या 2012 तक हमारे पास 2012 तक हमारे पास सीमा पर सड़कें नहीं थी जी, जिसकी वजह से डिफेंस पे हमें अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा था। अब क्या क्योंकि एयर कार्गो या एयर ट्रैफिक होता था सिर्फ आर्मी का, एयरफोर्स का, अब क्या है कि अब सड़कें हैं तो रोड कनेक्टिविटी हो गई है, इससे भी फायदा हो रहा है। हमारे उत्तर पूर्व के लोग जो हैं, हमारे उत्तर पूर्व के लोगों के साथ कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां तक सामान पहुंचाना, ले जाना, उनको विकसित करना ताकि वो अपने को मुख्य धारा में ले सकें, वो बहुत समस्या थी। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने से हम बांग्लादेश के थ्रू बिजली भी सप्लाई कर रहे हैं अपने उत्तर पूर्व को, बांग्लादेश के थ्रू हम नदी पत्तन की नदी बंदरगाहों की वजह से और समझौतों की वजह से, रेलगाड़ियों की वजह से, मालगाड़ियां जो चलती हैं बांग्लादेश होती हुई जाती हैं, उसकी वजह से हम इस स्थिति में हैं कि अब उत्तर पूर्व की ओर ज्यादा ध्यान दे सक रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम बढ़ाना, और उसके लिए देखिए अभी हाल में आपने कल ही समाचार सुना होगा कि भारत ने विदेशी यूनिवर्सिटियों को अपने कैंपस यहाँ खोलने की आजादी, और इसके साथ ही साथ भारत की भी कुछ यूनिवर्सिटियां जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे MET हैं, और वो लोग भी बाहर स्कूल या कॉलेजेस खोल रहे हैं। तो इससे लोगों को बाहर जाके पढ़ने के बजाय यही उसी स्तर की शिक्षा पाने में और शायद कम खर्च में सफलता मिलेगी, जिससे कि स्टूडेंट माइग्रेशन कम हो सकता है। और एक और चीज जिस पे हमको ज्यादा जोर देने की जरूरत है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है आप या श्रोताओं में से कोई इससे सहमत ना हो, ये हमने शिक्षा के नाम पे अंधाधुंध कॉलेज और स्कूल खोल दिए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के जी, और हमारे पास ग्रेजुएट्स बड़े थोक की संख्या में निकलने लगे, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिसकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था। तो होता क्या था कि नालियों की सफाई करने के लिए भी हमें MA और PhD लोगों के आवेदन मिल रहे हैं सरकार को, जो कि की बात है। तो ये चीजें, फिर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। हाँ, 2012 से पहले हमारे पास सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस थे जी, और मेडिकल कॉलेज की बहुत कमी थी, कतई कमी थी। अब मेडिकल कॉलेजेस भी ज्यादा खुल रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस भी ज्यादा खुल रही हैं। तो एक तरह से स्वास्थ्य सेवा की वजह पर ध्यान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवा योजनाएं जो हैं वो कम से कम नीचे तबके तक के लोगों को अपने में समाहित कर रही, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मिल करके स्थिति में सुधार लाएंगी, लेकिन फिर भी अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी और ज्यादा करने की आवश्यकता है, और भी हम कुछ साल में इसके फल देख सकेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ABP लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने,
मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।